बहुत स्वागत है आपका खेल कड्डा में। मैं हूं आपके साथ सुदीप राजपूत। जी हां, दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच में जो मुकाबला खेला जा रहा है, जिस तरीके से इस मैच में क्विंटन डिकॉक, हेनरी क्लासेन और लास्ट में डेविड मिलर, यानी कि तीन बल्लेबाज और बांग्लादेश की पूरी बॉलिंग लाइनअप कोई बखिया उधेड़ देते हैं। बांग्लादेश के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था कि गेंद डाले तो कहां डाले। वो अगर ओवर पिच डालते तो वो बॉल हिट करती थी बाउंड्री के बाहर, अगर यार्कर मारते तो क्लासेन का दमदार सिक्स, अगर बॉल बाउंसर मारते तो बेहतरीन क्विंटन डिकॉक के बल्ले से पुल शॉट निकलता हुआ दिखाई दिया। आपको बता दें, दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुकाबला खेला जा रहा है। वैसे बांग्लादेश के लिए यह मुकाबला सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए बेहद अहम है। वहीं अफ्रीकी टीम चार में से तीन मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में फिलहाल तीसरे नंबर पर है। आपको बता दें, इस मैच में एडन मार्कम ने अफ्रीकी टीम की कप्तानी संभाली। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उसके बाद जिस तरीके से स्टार्टिंग में आप कह सकते हैं कि पावर प्ले में जिस तरीके से दो विकेट गिरे, उसके बाद भाई साहब एडन मार्कम और क्विंटन डिकॉक के बीच जो साझेदारी होती है, जिस तरीके से क्विंटन डिकॉक का तूफान आता है, बांग्लादेश की पूरी बॉलिंग लाइनअप को ध्वस्त कर देता है। आपको बता दें, जिस तरीके से क्विंटन डिकॉक का तूफान आया, उस तूफान में बांग्लादेश की गेंदबाजी पूरी तरीके से बह गई। क्विंटन डिकॉक ने चौके और छक्कों की झड़ी लगा दी। 174 रनों की पारी में क्विंटन डिकॉक ने 15 चौके और 7 छक्के जड़े। वैसे इस मुकाबले में क्विंटन डिकॉक ने इस वर्ल्ड कप की अपनी तीसरी सेंचुरी भी जड़ी और अपने नाम खासा रिकॉर्ड दर्ज किया। जी हां, आपको बता दें कि किसी एक वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की तरफ से सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। इससे पहले यह रिकॉर्ड एबी डिविलियर्स के नाम था, जिन्होंने साल 2011 के वर्ल्ड कप में 2 शतक लगाए थे। और इस वर्ल्ड कप में क्विंटन डिकॉक ने इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया और 3 शतक लगा चुके हैं अभी तक। बात की जाए, जिस तरीके से डिकॉक के आउट होने के बाद क्लासेन का तूफान आता है, बाकी बचे काम क्लासेन ने पूरे किए। जी हां, आपको बता दें कि क्लासेन ने मात्र 49 गेंदों में 90 रनों की पारी खेली। अपनी इस पारी के दौरान क्लासेन ने 8 छक्के और 2 चौके लगाए। वहीं नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने उतरे किलर मिलर ने मानो कि बांग्लादेश की बॉलिंग लाइनअप की पूरी तरीके से बखिया उधेड़ दी। 15 गेंदों में 37 रन बनाए। इस दौरान मिलर के बल्ले से 4 छक्के और 1 चौके निकले, यानी कि साउथ अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करते हुए जिस तरीके से चौके छक्कों की बरसात की, इनकी पारी में 19 छक्के लगाए और 26 चौके लगाए, जिसकी मदद से अफ्रीका ने 382 रनों का विशाल स्कोर अपने नाम खड़ा किया। आपको याद होगा कि जिस तरीके से इसके पहले के मुकाबले में इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप को ध्वस्त किया था हेनरी क्लासेन ने, उस मैच में जिस तरीके से उन्होंने बेहतरीन पारी खेली थी, उस मैच में भी साउथ अफ्रीका की टीम ने 399 रनों का स्कोर खड़ा किया था। आज इस मैच में भी साउथ अफ्रीका ने 382 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया है। उस मैच में भी आपको याद होगा कि साउथ अफ्रीका ने रिकॉर्ड तोड़ दर्ज वो जीत अपने नाम की थी और उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुकाबले में भी ये मैच निश्चित रूप से पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका के पक्ष में आने वाला है। आप सोचिए, वो साउथ अफ्रीका की टीम जिसने पिछले 7 मुकाबलों को आप देखेंगे, 7 मुकाबले में अगर साउथ अफ्रीका पहले बल्लेबाजी की है तो 7 बार 300 प्लस का स्कोर खड़ा की है। वहीं पर इस वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर, यानी कि वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर 426 रन साउथ अफ्रीका की टीम से आए हैं। जिस तरीके से स्टार्टिंग में रासी वैन डूसे और फ्लॉप हुए, उसके बाद जिस तरीके से इनके जो मेन बल्लेबाज है क्विंटन डिकॉक और हेनरी क्लासेन और उसके बाद एडन मार्कम, फिर किलर मिलर ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और बांग्लादेश की पूरी लाइनअप, यानी कि बॉलिंग लाइनअप को एकदम से बैकफुट पर ढकेल दिया और फ्रंट फुट पर आके खड़े होके धाकड़ बल्लेबाजी की, यानी कि बेहतरीन प्रदर्शन किया। आप ये भी जान लीजिए कि वर्ल्ड कप में किसी भी साउथ अफ्रीका बल्लेबाज का ये दूसरा बेस्ट स्कोर है। जिस तरीके से आज क्विंटन डिकॉक ने 172 रन बनाए, इसके पहले ये रिकॉर्ड था गैरी क्रिस्टन के नाम, जिन्होंने 183 रन बनाए थे। फिलहाल इस मैच को जीतने के लिए, सेमीफाइनल रेस में बने रहने के लिए बांग्लादेश को 383 रनों की आवश्यकता है अपने निर्धारित 50 ओवरों में। फिलहाल इस मैच में सबकी निगाहें कप्तान शाकिब अल हसन के ऊपर और विकेट कीपर जो उनके बल्लेबाज है लिटन दास के ऊपर टिकी होंगी कि ये लोग आएंगे और अच्छा स्कोर करेंगे। अगर इस मैच में पावर प्ले का फायदा उठाती है बांग्लादेशी बल्लेबाज तो निश्चित तौर पर इस टारगेट को चेज करने में सक्षम होंगे, क्योंकि यहां की बाउंड्री बहुत छोटी है। फिलहाल वर्ल्ड कप की तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।